चलिए आज हम घर में ही गरम मसाला तैयार करते हैं। घर में बनाए हुए गरम मसाला का स्वाद ही सब्जियों में अलग होता है। गरम मसाला बनाने के लिए मैंने काली मिर्च, जीरा, एक जायफल, दालचीनी, लौंग, इलायची और ये थोड़ी सी हमारी जावित्री है, ये हमारी बड़ी इलायची है और थोड़ा सा तेज पत्ता ले लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री होता है। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम गर्म मसाला को डाल लेते हैं। गर्म मसाला बनाने के लिए या तो आप इसे तेज़ धूप में एक दिन सुखा लें या फिर इसे हम कढ़ाई में 5 से 7 मिनट धीमी आँच पर भून लेते हैं। मसाले को धीमी आंच पे ही भूनें, यदि आप गैस तेज कर देंगे तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। 7 मिनट हो चुके हैं, हमारी मसाला अच्छे से भून चुकी है। तो चलिए इसे हम बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे हम ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे एक मिक्सिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, देखिए ये बिल्कुल बारीक पीसा है, देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। इसे कोई भी शीशे वाला डिब्बे में ही रखें, इससे सालों तक आपकी जो गरम मसाला है उसकी खुशबू बरकरार रहे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।